हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको क्यूट सा ऑक्टोपस बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें इस तरह का एक राउंड चाहिए। इस राउंड को हमने साइड पे रखना है और इसके बाकी एलिमेंट्स तैयार करने हैं। उसके लिए हमने किसी कलर में क्ले ले लेनी है। अब हमने इसको लॉन्ग में शेप देनी है, इस तरह से बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। आप देख सकते हैं ये रेडी हो गई है। अब हमने स्पैटुला की मदद से इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, लाइक दिस। कटिंग में इस चीज का हमने ध्यान रखना है कि इक्वल हों ये। अब हमने इनको इस तरीके से अलग अलग रखकर इनको राउंड शेप दे देनी है, सर्कल शेप। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्यूट से 5 सर्कल्स बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इन राउंड्स को आपस में अटैच कर देना है। हम जब इनको आपस में अटैच करेंगे तो ये एक फ्लावर की शेप ले लेंगे। हम अटैच करते जाएंगे इनको और इनको साथ ही में राउंड शेप भी दे देंगे। ये सब अटैच हो गए। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल राउंड शेप जब हो जाएगी तो हमने ऊपर ये जो हमारा बिग सर्कल था इसको इसके टॉप पे इस तरीके से अटैच कर देना है। तो ये देखिए हमारा हाफ ऑक्टोपस तैयार हो चुका है। अब हमने इसका फेस स्ट्रक्चर बनाना है। उसके लिए हम इस तरीके का एक टूल ले लेंगे और इसकी ब्लैक आईज बना लेंगे। अब मेरे पास एक स्टूल है जिसकी मदद से मैं इसकी स्माइली फेस दूंगी। ये स्टूल मैंने खुद बनाया है। अच्छी सी स्माइली फेस देने के लिए हम इस तरह से पिंक कलर यहाँ पे लगा देंगे। तो ये देखें हमारा फेस भी रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे इस तरह की एक की चेन। तो अब आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, अपने बैग के साथ, अपने मोबाइल के साथ, अपने पर्स के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ये बिल्कुल रेडी हैं। तो बहुत ही क्यूट हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे रिव्यूज़ दीजिएगा कि आपके कैसे बने हैं, कोई मुश्किल पेश आई है कि नहीं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, गुड बाय।